राष्ट्रपति शासन हटाने के बाद आदेश आया, इस देश में ऐसा भी होता है, वो भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते हुए, जिसने हमेशा लोकतंत्र की बात की, नैतिकता की बात की। लेकिन महाराष्ट्र में हुआ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में इस प्रकार से जो छल कपट की राजनीति हुई है, राज्य की जनता उन्हें माफ नहीं करेंगी। आप कितने भी चोरी चपाटे कर लीजिए, 30 नवंबर में अगर हिम्मत है तो आप बहुमत सिद्ध करके दिखाओ। ठाकरे जी, शरद पवार साहब, हम सब अभी बैठे थे, 8 विधायक सुबह राजभवन में अजीत पवार के साथ थे, 8 विधायक, उसमें से 5 विधायक वापस आए हैं। उनको झूठ बताकर लेके गया था, कहा एक जगह पे बुलाया, गाड़ी में डालकर उनका किडनैपिंग किया लगभग। उसमें से आधे विधायक अभी मौजूद है, आपने देखे होंगे, 3 तो आपने देखे, वापस 2 आ गए हैं। धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, मैं बताना चाहता हूँ, धनंजय मुंडे का भी संपर्क हुआ है, और जल्दी ही सब लोग वापस आएंगे, शायद अजीत पवार भी वापस आएंगे। पवार साहब के ऊपर हमारा पूरा विश्वास है, हम ही सरकार बनाएंगे और हमारी ही सरकार बनेगी। जो सरकार बनी है, सुबह 7 बजे अंधेरे में सिर्फ पाप होता है महाराष्ट्र। चंद्रकांत पाटिल को शिवसेना प्रमुख बनाया है क्या? आपकी पार्टी की सोचो, आप खुद की सोचो, आपके पार्टी को बचाओ। ये चोरी चोर जैसा बर्ताव जो आप कर रहे हो ना, चोर डकैत जैसा, वो आपको महंगा पड़ेगा चंद्रकांत पाटिल। मेजोरिटी प्रूव करने की का स्थान नहीं हो सकता, वो विधानसभा होती है, और उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाना चाहिए, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाकर और उसे मौका देना चाहिए। उन्होंने बुलाया, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी ने मना कर दी, हम नहीं बना सकते। अब रातों रात क्या हुआ हम नहीं समझ पा रहे हैं। एनसीपी की डिप्टी चीफ मिनिस्टर और भाजपा के चीफ मिनिस्टर बना दिए गए। मेरा प्रश्न यह है कि क्या माननीय राज्यपाल जी को एनसीपी के अध्यक्ष श्री जयंत पाटिल का लेटर गया? मेरा उनसे प्रश्न यह है कि उन क्या सभी एनसीपी के विधायकों का हस्ताक्षरित पत्र उनको दिया गया? यदि नहीं दिया गया तो फिर किस आधार पर उन्होंने फडणवीस जी और अजीत पवार जी को एनसीपी के उन्होंने शपथ ग्रहण कराई? ये घोर असंवैधानिक है, और यही हालात जो हैं इन्होंने गोवा में किए, मेघालय में किए, मणिपुर में किए, और अब यहाँ महाराष्ट्र में किए हैं। यह संविधान के का मखौल उड़ाया जा रहा है।